मेरा नाम डॉक्टर निखिल प्रभु है, मैं हॉट डायबिटीज केयर घाटकोपर यहाँ पे एज अ डायबिटोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस करता हूँ। आज ये मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि घर पे शुगर चेकअप कैसे किया जाता है ये आपको पता चले। अभी घर पे शुगर चेकअप करना क्यों जरूरी है? अभी फिलहाल के माहौल में जब लॉकडाउन चालू है तभी लैब्स वगैरह हॉस्पिटल्स भी वगैरह जाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, इसलिए हर एक डायबिटीज पेशेंट ने घर पे शुगर चेक करना बहुत जरूरी है। चलना घूमना कम हो गया है तो शुगर बढ़ने के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर पे शुगर कैसे चेकअप किया जाता है। अभी ब्लड शुगर चेकअप करने के लिए सबसे बेसिक चीज है ग्लूकोमीटर। ये वाला बेसिक ग्लूकोमीटर है जो मैं अपने क्लिनिक में यूज करता हूँ। इसका कॉस्टिंग भी कम है और करीब 1200 रुपए के तक का आता है। ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का है। अभी मार्केट में काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स वाले भी ग्लूकोमीटर अवेलेबल है कि जिनमें मेमोरी फंक्शंस है, पीडीएफ सेव वाला ऑप्शंस रहता है, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन रहता है, स्पेशल स्मार्टफोन एप्लीकेशंस रहते हैं, आदि वाले फीचर्स भी मार्केट में अवेलेबल है ग्लूकोमीटर वैसे, पर मैं आपको बेसिक वाला ही बता रहा हूँ। इसके अलावा भी एक्यू चेक या काउंटर, एलर्जी वन आदि काफ़ी कंपनियों के ग्लूकोमीटर्स मार्केट में अवेलेबल है और वो काफ़ी एक्यूरेटी भी उनका एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन कोई भी हो पर उसको इस्तेमाल करना बराबर ज़रूरी है। अभी मैंने ये बॉक्स ओपन किया है, इसमें बेसिकली तीन पार्ट्स है। अगर आप देखेंगे तो पहला है ग्लूकोमीटर, ये वाला, ये है लेंसिंग डिवाइस और ये है स्ट्रिप्स जिससे अपन शुगर चेक करते हैं। अभी पहले ग्लूकोमीटर के लिए जानते हैं। अभी ग्लूकोमीटर को पीछे के साइड में बैटरी रहती है। अभी मैंने बैटरी ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है और इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी, तो ये ग्लूकोमीटर रेडी हो गया। अभी स्ट्रिप्स चेक कर रहे हैं अपन। ये मैंने स्ट्रिप्स लिया है, अभी इसका साइड देखिएगा कौन सा लड़ना है। अभी ये साइड से अपन ये ग्लूकोमीटर में अंदर डाला है मैंने, तो अभी ये ग्लूकोमीटर चालू हो गया है। ये पिछला वाला एक रीडिंग बताता है जो लास्ट टाइम चेकअप हुआ था। अभी जो ये बूंद वाला, ब्लड ड्रॉप वाला जो साइन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अपन यहाँ पे अभी खून लगा सकते हैं, मतलब ये ग्लूकोमीटर रेडी हो गया है। अभी मैं इसको बाजू में रख रहा हूँ। अभी लेंसिंग डिवाइस देखते हैं। लेंसिंग डिवाइस है कि जिससे प्रिक किया जाता है। अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, ये ऐसा इसको खोला जाता है। अभी उसमें लैंसेट लगानी है, तो आप देख रहे हो आपको मशीन के साथ ये लैंसेट्स फ्री मिलती है। अभी ये लैंसेट मैं इसमें लगा रहा हूँ। अभी ये मैंने लैंसेट इसमें लगाई और ऊपर का उसका ये निकाल दिया। संभाल के कीजिएगा क्योंकि हाथ में प्रिक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं नीडल से। अभी ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ। जी अभी आप देखोगे तो ये बंद हो गया है। अभी इसको स्प्रिंग एक्शन जैसा ये रहता है कि जिससे ये लोड किया जाता है, और प्रिक करने के लिए इसमें 1 से 9 चीज़ें हैं। तो अभी अपन ये इसको मैं 7 मैक्सिमम रहता है तो 6 पे फिक्स कर रहा हूँ। अभी अलग अलग लेंसिंग डिवाइसेस में अलग अलग नंबर्स तक ये रहता है, पर नॉर्मली मैक्स 2 या 3 के इसमें ना प्रिक्स अच्छा होता है। अगर आप ज़्यादा छोटा रखेंगे ना तो प्रिक नहीं होता है, तो आपको इसको करीब 6 पे रखना है। अभी मैं 6 पे रख रहा हूँ, 6 या 7 पे आप रख के प्रिक कर सकते हैं और इसको पीछे खींचना है ताकि ये लोड हो जाए। अभी जब भी आप ये प्रेस करते हो तो इससे फायर होता है और प्रिक होगी, तो ये मैं लोड कर रहा हूँ अभी और ये प्रिक्स करेंगे तो फायर होता है। तो अभी इसको लोड करके मैंने रख दिया है और नया इसमें लैंसेट डाला हुआ है। अगर हर आदमी को चेक करते समय नया लैंसेट यूज़ करना ज़रूरी है, और 2 या 3 बार से अगर आप खुद ही खुद का चेक कर रहे हो तो 2 बार से ज्यादा मत यूज कीजिएगा क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलो आइए अभी जानते हैं कि शुगर चेकअप इससे कैसे किया जाता है। जी अभी आपके पास ये ग्लूकोमीटर रेडी है, लेंसिंग डिवाइस लोडेड है जिसमें लेंसेट डाली हुई है। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि आपको स्पिरिट स्वैप रेडी करना है, मतलब कॉटन लेना है, उसमें स्पिरिट या डेटॉल आप यूज कर सकते हैं। पेशेंट को अभी हाथ धो के आने के रखने हैं, पेशेंट ने हाथ साफ धोने होने चाहिए। अभी उंगलियों से उसको क्लीन करते हैं, स्पिरिट स्वैप से मैं क्लीन कर रहा हूं उंगली, देखिए। जब भी आपके पास ये तीनों चीजें रेडी हो जाएं,
जैसे लोडिंग डिवाइस है, ग्लूकोमीटर है, और साथ में स्पिरिट स्वैब है। अभी इसको अच्छे से क्लीन कीजिए, फिर थोड़ा सेकंड उसको सूखने के लिए दीजिएगा जी। अभी ये मैं लेंसिंग डिवाइस से, जैसे मैंने बोला 6 नंबर पे प्रिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो अभी ये लेंसिंग डिवाइस मैंने उंगली पे लगाया और प्रेस किया, अभी आप देखोगे तो ये ब्लड ड्रॉप आ गया। अभी मैं इसको सिर्फ टच कर रहा हूँ, देखिए अभी इसको सिर्फ टच करना है ताकि पूरा स्ट्रिप भर जाए। अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा स्ट्रिप भर गया है। अभी ये 5 सेकंड तक लेता है और ये रीडिंग आ गया अभी, तो ये 94 रीडिंग दिखा रहा है अभी, मतलब शुगर अच्छा दिखा रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है इसका मतलब है। अभी इसको स्पिरिट स्वैप से बंद कर दीजिएगा, पकड़ लीजिए। तो अभी आपको पता चला कि इससे कैसे चेकअप किया जाता है शुगर का, मशीन कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके बारे में मैं थोड़ी और जानकारी आपको देने वाला हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। ग्लूकोमीटर और जो अपन लैब में खून चेक करते हैं, इनमें थोड़ा बहुत 10-15% का डिफरेंस रहता है, दोनों एक जैसे नहीं रहते। इसके दो रीजन है, क्योंकि ये अलग क्यों रहते हैं, इसके दो रीजन है बेसिकली। एक तो लैब वाला जो खून अपन चेक करते हैं वो हाथ के यहां से वेन में से निकाला जाता है, और जो दूसरा अपन ग्लूकोमीटर पे चेक करते हैं वो उंगलियों पे निकाला जाता है। अभी इसमें 15-20% का वेरिएशन संभव है, ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन है कि जो ग्लूकोमीटर रहते वो एकदम एक्यूरेट नहीं रहते, उनमें भी 5-10% का डिफरेंस रह सकता है। इसलिए लैब वाले रीडिंग्स और ग्लूकोमीटर वाले रीडिंग, इसमें 15% का फर्क रहता है करीब करीब, और ग्लूकोमीटर वाला रीडिंग ज्यादा रहता है लैब वाले से, एस्पेशियली खाने के बाद वाले स्टेज में। फास्टिंग स्टेज में दोनों लगभग एक जैसे ही रहते हैं। मैं आशा करता हूं अभी इस वीडियो से आपको घर पे शुगर कैसे चेक करना है इसकी पूरी जानकारी मिली है। इस टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फैमिली दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइएगा।